हाँ, और गाइस हम बोटिंग कर रहे हैं, ये देखो ये और देखो, देखो गाइस आपको फिर सिखाता हूँ, ये देखो गाइस आप खान। सारी बोट आ गई है अपने अपने पार्किंग स्थल पे, और ये व्यू है फाइनल बाय बाय कहने का नैनीताल को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। चलो गाइस हम जा रहे हैं माउंटेन्स पे और हम चला रहे हैं बोट। हम तो ऑलरेडी माउंटेन्स पे हैं, अब हम जा रहे हैं नैनीताल लेक में, नैनी लेक में बोटिंग करने हैं। ये देखिए ये है लेक, प्यारी सी लेक। कितना बढ़िया सरप्राइजिंग व्लॉग हमने दिया है आप लोगों को। ईशु को पहली बार बोटिंग करा रहे हैं, ईशु बहुत एक्साइटेड। ये है हमारी बोट और यहाँ बेटा ईशा चांदनी, और हमारी बोट निकल गई है। ये देखिए अंकल जी क्या कॉस्ट है इसकी बोटिंग की? 330 एक बोट, 330 रुपए एक बोट के हैं गाइस। ईशु को बोल दिया है शैतानी नहीं करनी है, बोट में डेंजरस रहती है। नहीं बेटा नहीं, ये गलत बात है। चला गाइस देखो कितनी सारी मछलियां। ईशा नहीं आराम से चांदनी, तू इसे वो मत कर भाई। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है इसे आपको बोटिंग करते हुए? गंदी बात है यार। ये देखो दोस्तों नैनीताल झील। 8 साल बाद, 8 साल पहले हमने वो डक वाली है, ये साढ़े सात साल अप्रैल 2017 में चांद में हर चांदनी आए थे, दोबारा आए। ये देखो बारिश के साथ क्या जबरदस्त, बहुत बढ़िया मौसम है। हेलो गाइस, हम आए मानते, हम आए पहले हम बुलाए थे गुरु देवता के मंदिर, तो अब हम चुके। अरे गुरु देवता नहीं, इनको बोलो हम आए हैं नैनी लेक में, नैनी लेक में, नैनीताल में जो लेक है उसमें हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। बोलो उसमें बोटिंग करने में कैसा लग रहा है? इशू आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? और इनको बोल दो कि इस बोट में आए तो शरारत ना करें, शरारत ना करें, बैठे रहें चुपचाप, है ना, है ना। अंकल जी बोल रहे हैं, बोट वाले अंकल बोल रहे हैं कि बैठे रहें, है ना। हाँ कैसे लग रहा है, बढ़िया लग रहा है आपको? ठीक है गाइस, ये हैं अंकल जी जो बोट चला रहे हैं, इन्होंने अभी हमारे फोटो क्लिक किए है ना अंकल जी ने, हमें बहुत अच्छा लगा तो हमने भी इनको अपने कैमरे में ले लिया है, हमारे ब्लॉग में मिलेंगे। और हम वहाँ भी गए थे हनुमान भगवान के मंदिर कैंची धाम, और हमने उनको नमस्ते भी किया था। हाँ राम राम, और प्रसाद भी चढ़ाया था, प्रसाद चढ़ाया था भगवान जी को, और लड्डू खाए भी थे हमने। वो वाले कैसे थे लड्डू? अरे बजरंगबली भगवान के लड्डू बहुत प्यारे थे। और खाने? हाँ गाड़ी में है, अच्छे लगे लड्डू आपको? और एक प्रसाद और मिला था माँ से, चने का प्रसाद मिलता है गाइस कैंची धाम में, आप सब लोगों को चने का प्रसाद मिलता है। और वहाँ पे कोई प्रसाद मतलब मंदिर में नहीं चढ़ता है, आप जाओ प्रसाद को खोलो वहाँ पे रखो भगवान के सामने और उसको वापस ले आओ। अच्छा लगा आपको मंदिर भगवान जी का? बहुत प्यारा था, है ना? देखो हाँ मेरे हाथ कितने ठंडे हो गए। हाँ गाइस ठंड है इस टाइम पे, आज है 21 अक्टूबर, और कपड़े वगैरह ठंड लेके आओ क्योंकि जैकेट वगैरह है यहाँ जरूरत पड़ रही है। हम लोग आ गए हीरो बनके और हमें ठंड लग रही है। हाँ और गाइस हम बोटिंग कर रहे हैं, ये देखो ये और देखो, देखो गाइस आपको फिर सिखाता हूँ, ये देखो गाइस आप खान गाइस, ये देखो गाइस ये अंकल जी हैं हमारे। और ये हाँ और देखो आपको पता है हम बोटिंग कर ले अंकल, और ये जो अंकल है हम थोड़ी देर के लिए घर जाएंगे। ठीक है चलो मैं आपको दिखाता हूँ नैनीताल का सुंदर नज़ारा, देखो माउंटेन व्यूज तो हर जगह है, ये स्पेसिफिक नैनीताल की खूबसूरती है, सुंदरता, USP नैनीताल। ईशान के साथ थोड़ा कौशन सावधानी के साथ ब्लॉग बनाना पड़ता है क्योंकि वो भी बोलता है तो, बट बहुत सुंदर बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, बहुत ठंड है। ये देखो सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है और हम लोगों ने हाफ बोटिंग ली है और हम अब चलेंगे घर। ये रहा वापस हम आ रहे हैं वापस, ये रही पूरी झील और यहाँ से हम लोग निकल लेंगे अब घर की तरफ। नैनीताल आने वाले सभी लोग गर्म कपड़े लेके आए हैं, ठंड बहुत बढ़ गई है। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं नैनीताल,
हम आ सकते हैं नैली राज जिसको कहते हैं माउंटेन, तो हम अंदर बोटिंग कर ले और हम बैठे हुए हैं और किसी ने अगर शरारत की तो हम मारेंगे। शरारत नहीं करनी है देखो बोटिंग करते हुए, क्योंकि गिर सकते हैं, बोट पलट सकती है, फिश भी अंदर आ सकती है, फिश भी अंदर आ सकती हैं। पापा पर फिश, और अगर फिश भाग गई ना तो फिश चल भी नहीं पाती। हाँ हमारी बोटिंग हो गई है खत्म, अब हम चल रहे हैं। चली से ये सारी बोट आ गई है अपने अपने पार्किंग स्थल पे, और ये व्यू है फाइनल बाय बाय कहने का नैनीताल को। गाइस चलते हैं, हमारी हो गई है बोटिंग कंप्लीट, और हमारा ब्लॉग भी जो कि बिल्कुल भी प्लान नहीं था, अनप्लान्ड ब्लॉग था, बट आई मेड इट। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा बोटिंग का एक ब्लॉग बना लेता। कैची धाम घूमे, बोटिंग करी, और अब नैना देवी के मंदिर। ये है मंदिर में अलाउ नहीं है तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, बाहर से यूज किया है बस। नैनीताल आओ तो माँ के मंदिर जरूर आओ, और ये रहा नैनीताल, ये यहाँ की मार्केट। दोस्तों हम लोग आ गए हैं घर, और काफ़ी रात हो चुकी है, थोड़ा लेट आए थे, अचानक से प्लान बन गया था तो चले गए, और मेरा मन किया वहाँ पे ब्लॉग शूट करने का नैनी लेक में, तो मैंने कर लिया क्योंकि रेगुलर मैंने करीब 42 डेज के आसपास रेगुलर मैंने ब्लॉगिंग की है, 45 डेज। उसके बाद फिर ब्रेक लिया, उसके बाद और ब्रेक लिया थोड़ा सा, तो दोबारा कंटिन्यू करेंगे फिर से रेगुलर ब्लॉगिंग, ठीक है, क्योंकि कुछ दिमाग में चलता रहता है कि क्या करें कुछ अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा, मीनिंगफुल सा, तो दोबारा करेंगे। इस बार फिर कोशिश करेंगे कि और लंबा 45 से भी ज़्यादा दिन तक कंटिन्यूस ब्लॉगिंग करें, ऐसे टारगेट्स देखें। तो फिलहाल सोचा था कि आज का ब्लॉग बना लूँ, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा आप लोगों को देखने मिल जाएगा कुछ नैनी लेक के कुछ सुंदर सुंदर से विजुअल्स। तो अब लोग आ गए हैं घर, अब मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।